Hello students! Welcome to your Punjabi class. I am Mandeep Desai, your Punjabi teacher. This is your first class of Punjabi. I know you all are very excited to learn new language. Students, Punjabi is very important and vibrant language in the world today. About 130 million people around the world speak Punjabi. It is the ninth most spoken language in the world, so, you all should have knowledge of Punjabi. Students, name of your Punjabi book is Sajri Saver Punjabi Part Mala. I know students, you are not having your Punjabi books. But you can easily learn Punjabi through this video and assignments. Now, I am going to start first topic which is Varn Mala. Varn Mala. वर्णों के समूह को वर्णमाला कहा जाता है पंजाबी वर्णमाला को पैंती अखरी भी कहा जाता है पैंतीस अक्षर होने की वजह से पंजाबी वर्णमाला को पैंती अखरी कहते हैं पैंतीस अक्षर मतलब थर्टी फाइव लेटर्स लेकिन बाद में भाषा में अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग होने के कारण छः बिंदी वाले अक्षर और बनाए गई जिससे वर्णमाला की संख्या अब पैंतीस से बढ़कर इकतालीस हो गई है हर लैंग्वेज की एक स्क्रिप्ट होती है जैसे हिंदी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट देवनागरी होती है वैसे ही पंजाबी लैंग्वेज की स्क्रिप्ट गुरमुखी है गुर्मुखी मतलब गुरुओं के मुख से निकली हुई भाषा तो पंजाबी की स्क्रिप्ट है गुरमुखी पंजाबी वर्णमाला के मेन थर्टी फाइव लेटर्स को सेवन लाइन्स में डिवाइड किया गया है हर लाइन में फाइव लेटर्स आती हैं तो आज हम फर्स्ट फाइव लेटर्स रिवाइज करेंगे स्टूडेंट्स पंजाबी वर्णमाला और हिंदी वर्णमाला ऑलमोस्ट सिमिलर ही है जैसे हिंदी में स्वर और व्यंजन होते हैं वैसे ही पंजाबी में भी स्वर और व्यंजन होते हैं हिंदी में थर्टीन लेटर स्वर हैं जैसे छोटा आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई लेकिन पंजाबी में ओनली थ्री लेटर्स ही स्वर हैं और बाकी बचे हुए लेटर्स व्यंजन चलिए स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं पंजाबी की वर्णमाला की फर्स्ट लाइन फर्स्ट लाइन का फर्स्ट लेटर है ऊड़ा ऊट ऊड़ा ऊट मतलब जहां भी आपको ऊ की साउंड आएगी वहां पर पंजाबी में ऊड़ा लगेगा सेकेंड लेटर एड़ा आम्ब एड़ा मतलब हिंदी का जहाँ भी आपको अ की साउंड आएगी वहां पर पंजाबी में एड़ा लगेगा एड़ा थर्ड लेटर ईडी इमली जहां भी आपको ई की साउंड आएगी पंजाबी में वहां पर ईडी लगेगी ईडी इमली फोर्थ लेटर इज सस्सा संतरा जहां भी आपको स सा की साउंड आएगी वहां पर ससा लगेगा। फिफ्थ लेटर इज हाथी हा हा जहां भी आपको हा की साउंड आएगी वहां लगेगा हा हाथी हा उड़ा ऊंट, एड़ा आंब ईडी इमली ससा संतरा हा हाथी हा स्टूडेंट्स वर्णमाला के फर्स्ट थ्री लेटर्स स्वर हैं जैसे ऊड़ा एड़ा और ईडी उसके बाद व्यंजन स्टार्ट हो जाते हैं स्टूडेंट्स इन फाइव लेटर्स को आपको लिखकर और बोलकर रिवाइज करना है बाकी वर्णमाला हम नेक्स्ट वीडियो में रिवाइज करेंगे ओके स्टूडेंट्स स्टे होम स्टे सेफ एंड कीप लर्निंग। थैंक यू बाय